नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुंबई कॉइनएक्स 7th मुंबई कॉइनएक्स 2021 का आखिरी दिन है। मुंबई का ये बहुत ही पॉपुलर कॉइन एग्जीबिशन है और यहाँ पर सारे भारत से हज़ारों लोग, हज़ारों कॉइन कलेक्टर्स और डीलर्स यहाँ आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आइए तो देखते हैं आज का ये दिन कॉइनएक्स में कैसा बीता। चलिए, कॉइनएक्स मुंबई यहाँ चर्च गेट मरीन लाइन्स में सुंदरबाई हॉल में लगा हुआ है। यह इसका मेन एंट्रेंस है और अब हम एग्जीबिशन के अंदर जा रहे हैं। यह सब कॉइन एग्जीबिशन देखकर वापस आ रहे हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं, यहाँ पर बैठकर अपने सिक्कों की बातें कर रहे हैं, सिक्के देख रहे हैं, सिक्के खरीद रहे हैं और सिक्के बेच भी रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने एंजल यहाँ पर खेल रहे हैं। हाय, क्या नाम है आपका? समर। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से आया, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? चलो कॉइन देखते हैं, एग्जीबिशन देखते हैं अंदर। ओ, मेरा कौन? हाय, तुमको तो मैं जानता हूँ। आई नो। तुम्हारा नाम है? स्पर्श। चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय। थैंक यू दिलीप जी। ये हमारा ये कंसेक्यूटिव 7th ईयर है कॉइनएक्स का। आगे हम 6 एग्जीबिशन कॉइनएक्स के यहीं सुंदराबाई हॉल में कर चुके हैं और पिछले 2 साल कोविड की वजह से कर नहीं पाए थे, तो इस साल जब गवर्नमेंट ने सब रिस्ट्रिक्शन उठा दिए तो हमने यहाँ पे ये शो किया है। कॉइनएक्स ऑलवेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, उसके कई वजह है। उसमें से एक वजह ये भी है कि ये बहुत कन्वीनियंट लोकेशन पे है। यहाँ से मेजर रेलवे स्टेशन, बस और बाकी यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर फूड स्ट्रीट है, डीलर्स आते हैं, फुटफॉल बहुत अच्छा होता है, कॉमन पब्लिक का भी फुटफॉल अच्छा होता है और बिजनेस सभी का, छोटे डीलर हो या बड़े डीलर हो, सभी का काफ़ी अच्छा होता है। हम लोगों को जैसे ही हम अनाउंस करते हैं कॉइनएक्स की और स्टॉल बुकिंग के लिए तुरंत इंक्वायरी आनी और बुकिंग होनी शुरू हो जाती है। इस साल भी सेम रिस्पांस रहा, पर ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने इस बार स्टॉल थोड़े कम किए थे। उन लोगों को स्टॉल हमको ना भी बोलना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्टॉल की कमी थी। क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और क्या, कैसा लगा एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हर साल की तरह बहुत बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं।
20 करी दिलीप भाई कैसे हैं? कैसा लगा एग्जीबिशन? फर्स्ट क्लास सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया, चलिए और कैसा लगा एग्जीबिशन? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी पब्लिक आई है, काफी कलेक्टर्स है, काफी इन्वेस्टर्स है और काफी नए कस्टमर्स भी मिले, नए लोग भी काफी आ रहे हैं, नए लोग भी, लॉकडाउन के बाद नए कलेक्शंस बहुत बने हैं, काफी काफी रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ये सब में अच्छा रिस्पॉन्स। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसे भाई जान? ठीक है, वो आपके वीडियो वीडियो बना रहा है, दुआ है, दुआ है, कैसे क्या चल रहा है? ठीक है, ना नया कैमरा है एकदम, हाँ वो अच्छा GoPro। हाय फ्रेंड्स, ये मेरा स्टोर है पप्पूपुरे मुंबई में, एक्टिवेशन है और यहाँ पे मेरे पास बहुत गर्दी आई हुई है, लोग बोलते हैं सिक्के और कॉइन्स बिकते नहीं है, आप यहाँ आइए मेरे स्टॉल पे और देखिए मैं कैसे लेता हूँ सिक्के और नोट और कॉइन्स।
इस तरीके के भी माल मैं लेता हूँ, आप आइए मेरे पास, लेकिन रेयर सिक्के और नोट ही लेके आइए। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी आप उठा के लेके आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि प्रेम जी ये ले लो वो बिकेगा, तो वो नहीं बिकेगा। चिल्लर नहीं बिकती है, आपको रेयर सिक्के और रेयर नोट ही लेने होंगे, वही लेके आना है। कभी भी आपको मैं हर एग्जीबिशन में मिलूंगा, लेकिन आपको रेयर नोट और रेयर सिक्के ही लेके आने हैं। सेकेंड थिंग ये है कि हम लोग कोई भी जो आजकल गलत यूट्यूबर हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और लोग बेचारे परेशान होते हैं, तो उसके बारे में हमने पहले ही सभी को एडवांस में ही बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ यूट्यूब में देख के आप ऐसे ही ना आए, कोई 25 पैसा 50 पैसा चिल्लर लेके ना परेशान हो, जिसका कोई खास वैल्यू नहीं होता है, लेकिन YouTube पे उनको ऐसा बताया जाता है कि वो लाखों की वैल्यू के, और बेचारे बहुत लोग परेशान होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ऐसे लोग आए, डिसअपॉइंट हो और परेशान हो। बाकी जो रेगुलर डीलर कलेक्टर अक्रॉस द कंट्री आते हैं, ऑलवेज वेलकम, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस बार का भी रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आज थर्ड लास्ट डे है, आप देख सकते हो हॉल में कितनी भीड़ है, और फिर भी जो कोविड रिस्ट्रिक्शन के जो नियम है उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करते हैं। जो लोग मास्क में थोड़ी कचास करते हैं उनको बुझा के बोलते हैं कि अभी मास्क पहनो। अभी आपको वीडियो शूट दे रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क निकाला है, नहीं तो मैं मास्क पहन के ही घूमता हूँ। सो अगले साल अभी इसी तरह से जब कॉइनेक्स होगा, इस साल हम थोड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत एडवांस में हमने अनाउंस नहीं कर पाए थे, लेकिन अगले साल डेफिनेटली होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, कोविड चला गया होगा, तो इससे भी थोड़ा बड़ा शो करेंगे। और एवरीवन इज वेलकम, एवरीबडी डीलर्स कलेक्टर्स सभी को यहाँ पे आने की हम वेलकम करते हैं, और सभी का अच्छा बिजनेस हो ऐसी इच्छा रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू गिरीश। तो यह था मुंबई कॉइनेक्स। आपको ये कॉइनेक्स कैसा लगा हमें जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।
धन्यवाद।